वेलकम टू फर्स्ट सुमा किचन। आज हम लोग मिल्लत नगर अंधेरी का स्पेशल चिकन बिरयानी बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी रहता है, आप इसको ज़रूर बनाइए। ये डिश पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की बिरयानी। ये हम चिकन लिया है हमने, इसमें 1 किलो हमने चिकन लिया है, 3 पा हमने इसमें चावल लिए हैं, बासमती राइस लिया है, हरी मिर्च लिए हमने 3, दही लिया है हमने ये गरम मसाले लिए हैं, लौंग ली है हमने 15-16, इलायची लिए हमने 14-15, जायफल, जावित्री और दालचीनी लिया है, ये पत्ते लिए हमने तेजपात के, 1 लहसुन साबुत डालेंगे हम इसमें, ये हमने नमक लिया है, तेल लिया है हमने, आप घी में ही बना सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमारा, 1 गिलास पानी डलेगा इसमें। आइए हम बनाना देखते हैं कैसे बनता है। बहुत टेस्टी बनती है चिकन बिरयानी। हमने पहले आपको मटन बिरयानी बताई थी, हम आपको चिकन बिरयानी बताते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे, ये हमने फ्लेम ऑन कर दिया, उसके बाद हमने इस पे कुकर रखा। अब हम सबसे पहले इसमें चिकन डालेंगे, हम ये सारा चिकन इसमें डाल देंगे, हम इसको बॉईल करेंगे, यखनी बनाएंगे पहले चिकन की। सिंपल है बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनती है ये। इसमें हमने पहले ये चिकन डाला सारा, उसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, ये 1 गिलास पानी डाल दिया, हम सारे गरम मसाले और ये लहसुन नमक सब डाल देंगे इसमें। एक चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे, इसमें हम दही भी अभी डाल देंगे, फिर बाद में भी दही डालेंगे इसमें, ये 1 चम्मच टेबलस्पून, ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें दही डाल दी। अब इसमें हम 1 गिलास पानी और डालेंगे, ये हमने 1 गिलास पानी और डाल दिया इसमें, ये देखिए। अब हम इसको 1 सीटी लेंगे हम इसमें चिकन में हम ज़्यादा सीटीज नहीं लेते, चिकन बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से गल जाता है, इसमें हम सिर्फ 1 सीटी लेंगे, वो भी हम लहसुन गलाने की वजह से 1 सीटी ले रहे हैं, वरना ये भाप में आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कुकर की सीटी लगा देंगे इसमें, ये हमने लगा दिया, कुकर बंद कर दिया। अब हम इसमें 1 सीटी लेके उसके बाद हम इसको खोल के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 1 सीटी आ गई है इसमें, अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए हमारा चिकन गल गया है, ये हम निकाल के देखते हैं 1 पीस, देखिए हमारा चिकन गल गया है। अब हम इसमें हम 1 भगोना लेंगे, इसमें हम बनाएंगे बिरयानी के लिए, ये हमने कुकर में हटाया है यहाँ से, ये हमने भगोना रखा इसके ऊपर, फ्लेम ऑन करी। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, 2 स्पून के करीब ऑयल डालिए, इसको हम 2 मिनट के लिए इसको हम गरम करेंगे, फिर हम इसमें थोड़ी सी प्याज डालेंगे, आधी से भी कम प्याज, इसमें प्याज बहुत कम डलती है फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्याज डालेंगे हम इसमें। अभी ये गरम नहीं हुआ तेल, गरम तेल में प्याज डालेंगे, जल्दी होगा। चिकन की बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है, ये देखिए आप बना के देखिएगा। हमने पहले मटन की बिरयानी बनाई थी, अब हम चिकन की बिरयानी बना रहे हैं। आप इसको ऑयल में ही बना सकते हैं, देसी घी में ही बना सकते हैं, मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ फ्रेंड्स। इस
इसको एक सेकंड के लिए होने देंगे, फिर हम देखते हैं, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। चावल हमने अच्छी तरह धो के भिगो के रखे हैं 2 घंटे। चावल के साथ साथ हम इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे, 2-3 हमने हरी मिर्च लिया। आप 4-5 आपको जितना स्पाइसी थोड़ा करना हो तो आप 4-5 भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने 3 डाली है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इसमें हम चावल ऐड करेंगे। अब कोई से भी चावल हो उसको आप 2 घंटा भिगोइए। मैंने ये बासमती राइस सेला लिए हैं। पानी हम यखनी का पहले डालेंगे, उसके बाद हमें कम लगेगा तो हम और पानी लेंगे। ये हमने डाल दिए सारे चावल। अब हम इसमें अपनी यखनी का पानी डाल देंगे। चिकन की ये हमने चिकन का पानी इसमें ऐड कर दिया सारा। मुझे नहीं लगता कि हमें और दूसरा पानी चाहिए होगा, इसमें हमारे चावल बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड ये हो गया। अब हम इसको 5 मिनट तक बनाएंगे, जब तक चावल पक नहीं जाते हैं। हम इसको अब इसको ढक के रख देंगे। हम 5 मिनट बाद देखते हैं, बीच में आप देखते रहिएगा। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारे चावल कहाँ तक गले। ये देखिए तैयार पे ही है हमारे, हमने स्लो पे, हमने ये स्लो पे कर रखा है। देखिए भाप उड़ रही है, ये देखिए ये हमारे चावल तैयार पे ही हैं। चावल हमारे गल चुके हैं, ये हम चेक करेंगे। चावल हमारे इतने गल गए हैं कि हम इसको दम पे रख सकते हैं अब कलर डाल के। अब हम इसका कलर बनाएंगे जब तक ये और पानी गल जाए। चलिए हम कलर बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हमने ये 1 टीस्पून दही लिया है, इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। ये देखिए 1/2 टीस्पून के करीब फूड कलर डाला है हमने इसमें। हम इसमें ये 2 चमचे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, 2 स्पून चीनी ऐड करा है। इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे। 2-3 ये बूंदे पानी की डालेंगे इसमें हम। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बनके तैयार हो गया कलर। अभी हम 2 मिनट बाद डालेंगे इसको। अभी हमारे इसमें चावलों में थोड़ा पानी है, इसलिए हम 2 मिनट बाद डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स पानी इसका सूख गया है, सिर्फ थोड़ा पानी लगेगा। अब हम इसमें बीच में जगह करेंगे रंग कलर डालने के लिए। हम बीचों बीच डालेंगे कलर इसका। ओके ये हम सारा फूड कलर डालेंगे इसका बीच में। बीच में हम इसलिए डालते हैं फिर जब हमारी बिरयानी बन जाएगी तो हम इसको फिर चलाएंगे तो सब तरफ हमारा कलर फैल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये हमने बीच में डाल दिया अपना फूड कलर। अब हम इसको ढक देंगे चावलों से। ये हमारे राइस इसमें ढक दिए गए। अब इसको हम ढक देंगे, इसमें हम दम लगाएंगे। इसको हम कपड़े से ढक देंगे। पहले हम इसको एक मोटा कपड़ा लेंगे फ्रेंड्स। देखिए ये हमने मोटा कपड़ा एक लिया, ये हमने इसके ऊपर ये प्लेट रखी। अब इसको स्लो, बिल्कुल स्लो आंच पे करके हम इसको दम देंगे अच्छी तरीके से। ये दम बिरयानी है,
तो हम इसको इसको दम देंगे। इसके ऊपर आप चाहे कोई भारी चीज भी रख सकते हैं। हम ये तवा है भारी हमारा, हमने इस पे ये रख दिया है। इसके बाद हम इसमें केवड़ा डालेंगे, दो तीन मिनट बाद हम इसमें केवड़ा डालेंगे, जरा कलर अपना मिल जाए उसके बाद हम केवड़ा डालते हैं। फ्रेंड्स देखिए अब हम इसमें ये केवड़ा डालेंगे, केवड़ा एसेंट है, केवड़ा वाटर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी में। अब हम इसको थोड़ा खोलेंगे, ये देखिए हमारी बिरयानी दम पे आ रही है। इसमें हम केवड़ा डालेंगे थोड़ा, 1 टीस्पून के करीब। फौरन इसको ढक देंगे, इसको हम फिर तवे को हमने बिल्कुल स्लो आंच कर रखी है इसकी, इसको स्लो पे हमने दम पे रखा है। 2-3 मिनट बाद आप इसको बंद कर दीजिएगा फ्लेम को, हम भी बंद कर देंगे।